नमस्कार बच्चों, फाइनली आप सभी को टर्म वाइज सीबीएसई का सिलेबस मिल चुका होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक हमें टर्म 1 में पढ़ने, कौन से चैप्टर्स और टॉपिक हमें टर्म 2 में पढ़ने, ये सब कुछ हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके टर्म 1 की बात की जाए तो आपका टर्म 1 का एग्जाम 40 मार्क्स का होगा, ये आप सभी को पता चल चुका होगा। और जो 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 हिंदी का एग्जाम होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे। ओके, जो पहला पार्ट होगा वो होगा अपठित गद्यांश और पद्यांश का, जो 10 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो पार्ट होगा वो आपका व्याकरण का रहेगा, जो 16 मार्क्स का रहेगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड आपका पार्ट रहेगा वो आपका रहेगी पाठ्य पुस्तकें, जिसमें काव्य खंड है, गद्य खंड है, वो आपका 14 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसके 3 पार्ट्स रहने वाले और तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपका पहला पार्ट रहेगा जो कि अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित रहेगा, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक अपठित गद्यांश का रहेगा जो 100 से 200 शब्दों का होगा, उसमें 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले। दूसरा इसका पार्ट रहेगा एक अपठित काव्यांश भी रहेगा, ये भी 150 से 200 शब्दों में होगा और इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी के विकल्प आपके लिए उपलब्ध होंगे। ओके, तो कुल हो जाएगा हमारा पहला जो भाग है वो 10 मार्क्स का, यानी कि 10 अंकों का। उसके बाद दूसरा जो आपका भाग रहेगा वो रहेगा व्याकरण। व्याकरण में हमारे पास कुल 4 टॉपिक रहेंगे। पहला जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये 4 अंकों का होगा, बेहद आसान टॉपिक है। दूसरा वाच्य, जिसमें हमें वाच्य की पहचान करनी है, ये भी आपका 4 अंकों का रहेगा। तीसरा जो आपका पद परिचय रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 4 अंकों का रहेगा। और चौथा जो टॉपिक है रस, ये भी आपका 4 अंकों का रहेगा। यानी कि 4 टॉपिक है, वेटेज सबकी एक बराबर रहेगी, 4 मार्क्स ईच रहेगा और टोटल हमारी व्याकरण रहेगी 16 अंकों की। क्लियर। उसके बाद तीसरा जो पार्ट रहेगा आपके एग्जाम का वो रहेगा पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में क्या रहेगा हमारा, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो इसमें आपके क्षितिज से जो निर्धारित पाठ है उनसे गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अव्यक्ति इत्यादि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक आपका पठित गद्यांश रहेगा, जो भी आप यहाँ पर गद्यखंड करेंगे उसी गद्यखंड उन्हीं पाठों में से गद्यांश दिया जाएगा और उसमें 5 प्रश्न रहेंगे, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ओके, यानी कि टोटल हमारा गद्यखंड है वो 7 मार्क्स का रहना है, तो 5 मार्क्स का रहेगा आपका, एक गद्यांश दिया जाएगा उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। दूसरा, क्षितिज से जो गद्य पाठ है आपके, जो भी पाठ दिए जाएंगे उन पाठ पर आपकी उच्च चिंतन क्षमताओं पर आधारित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी कि 2 अंकों का। कुल आपका गद्यखंड केवल 7 अंकों का होगा। ओके, यानी कि एक तो गद्यखंड दे दिया, गद्यांश दे दिया, उस पर आधारित प्रश्न होंगे और 2 अलग से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 7 अंकों का होगा। ओके, उसके बाद जो काव्य खंड है पाठ्य पुस्तक में वो भी 7 अंकों का होगा, इसमें भी आपके काव्यांश दिया जाएगा एक, उस काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, यानी ये भी आपका एक पठित काव्यांश होगा। क्लियर। और इसमें उन्हीं कविताओं के आधार पर, जो भी कविताएं आपके सिलेबस में है उन्हीं कविताओं के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 2 अंकों के रहेंगे। यानी कि टोटल जो आपकी पाठ्य पुस्तक वो 14 मार्क्स यानी कि 14 अंकों की रहेगी। इसमें 7 का गद्य रहेगा और 7 का पद्य रहेगा, लेकिन अच्छी बात ये कि गद्य और पद्य दोनों में आपको पठित गद्यांश और पद्यांश मिलने वाले हैं 10 मार्क्स के, केवल 4 मार्क्स के आपके डायरेक्ट सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 भाग, यानी कि पहला आपका रहेगा गद्यांश पद्यांश अपठित 10 मार्क्स का, 16 मार्क्स की आपकी व्याकरण रहेगी और 14 अंकों की आपकी पाठ्य पुस्तकें रहेगी, गद्य और पद्य। अब बात करेंगे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 1 में रहेंगे, गद्य और पद्य दोनों में। तो यहाँ पर आपकी क्षितिज भाग 2 की अगर बात की जाए तो क्षितिज भाग 2 में आपके पहली टर्म में जो पाठ रहेंगे वो रहेंगे स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, जो आपका 10वां पाठ है और गद्यखंड का पहला पाठ है, तो ये आपका रहेगा। और राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भक्त, ये पाठ रहेगा। केवल 2 ही पाठ रहने वाले, यस, केवल 2 ही पाठ रहेंगे जो आपको तैयार करने। क्लियर। उसके बाद काव्यखंड की बात की जाए तो काव्यखंड में सिर्फ 2 ही कविताएं रहेगी, 2 ही काव्यखंड रहेंगे, सूरदास के पद रहेंगे और तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रहेंगे। यानी कि 2 आपके कविताएं रहेगी और 2 ही आपके पाठ रहेंगे। क्लियर। तो ये सब कुछ हमारा रहेगा टर्म 1 में। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टर्म 2 की, कि टर्म 2 में आपके पास क्या रहने वाला है। तो टर्म 2 में आपके पास जो रहेगा इसमें पाठ्य पुस्तक, जो क्षितिज भाग 2 है,
और पाठ्य पुस्तक जो आपकी कृतिका भाग दो है, यानी कि दो पाठ्य पुस्तकें रहेगी। इसमें जो गद्य खंड रहेगा, इसमें गद्य खंड में आपके क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध या अभिव्यक्ति पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। यानी कि इसमें पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो फर्स्ट टर्म था उसका पैटर्न टोटली अलग रहेगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एग्जाम। और जो आपका टर्म 2 का एग्जाम रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वो नहीं रहेंगे या बेहद कम रहेंगे। ओके, तो इसमें गद्य खंड में जो क्षितिज के पार्ट रहेंगे उससे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक प्रश्न के 2 अंक यानी कि 2 मार्क्स यानी कि 2 अंक रहेंगे। ओके, टोटल 8 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर। उसके बाद जो काव्य खंड है वहाँ पर क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और हर एक प्रश्न के 2 अंक रहेंगे और कुल हो गया आपका 6 मार्क्स। ओके, 14 हो गए और 6 मार्क्स की आपकी बुक रहेगी कृतिका। ओके, कृतिका में जो भी पाठ हमारे रहेंगे उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न का जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 मार्क्स का 3 अंकों का रहेगा। तो टोटल हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो 20 मार्क्स की रहेगी, किसमें? टर्म 2 में, जबकि टर्म 1 में कितनी थी? ये केवल 14 मार्क्स की थी। ठीक, तो टर्म 2 में ये पाठ्य पुस्तकें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और यहाँ पर हमें ज़्यादा पाठ भी मिलेंगे, ज़्यादा कविताएं पढ़नी होगी। उसके बाद लेखन की बात करें तो लेखन भी हमारा रहेगा 20 मार्क्स का, यानी कि 20 + 20 = 40 मार्क्स। ओके, यानी कि इसमें 2 ही भाग रहेंगे। पहले भाग में हमारे पास पाठ्य पुस्तकें होंगी और दूसरे भाग में हमारा लेखन कला होगी। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा 5 अंकों का वो रहेगा एक अनुच्छेद लेखन। ठीक, अनुच्छेद लेखन है समसामयिक घटनाएं हैं, व्यवहारिक जीवन है, यानी कि इस वक्त जो घटनाएं चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है हमारे आसपास, उस पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। कितने अंकों का रहेगा ये अनुच्छेद लेखन? 5 अंकों का रहेगा। क्लियर, यानी कि सेकंड टर्म में हमें अनुच्छेद लेखन है उसका अभ्यास करना होगा और करंट के जो टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा 5 अंकों का रहेगा वो रहेगा पत्र। ओके, हमें अव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों पर, किसी एक विषय पर, यानी औपचारिक भी हो सकता है अनौपचारिक भी हो सकता है, दोनों विषय दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में पत्र लिखना है। ओके, यानी कि दूसरा 5 अंकों का हमारा लेखन कला में रहेगा पत्र लेखन। उसके बाद तीसरा रहेगा विषय संबंधित 2 विज्ञापन दिए होंगे। ओके, हमें विज्ञापन लेखन करना है लगभग 50 शब्दों में, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हो, तो हमें 2 विज्ञापन बनाने और ये विज्ञापन रहेंगे 2.5 मार्क्स ईच, यानी कि 2.5 अंक रहेंगे एक विज्ञापन के। क्लियर, तो ये आपके 5 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो चौथा रहेगा हमारा वो रहेगा संदेश लेखन, जैसे शुभकामना पर्व या त्योहारों पर या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश आपको लिखने और प्रत्येक अधिकतम 40 शब्दों में होना चाहिए। ये आपका 5 अंकों का रहेगा। यानी कि आपकी पहले हमने देखा कि पाठ्य पुस्तकें वो 20 अंकों की रहेगी और लेखन जो है वो भी आपका 20 अंकों का रहेगा। इसमें पहला रहेगा अनुच्छेद लेखन, दूसरा रहेगा आपका पत्र लेखन, तीसरा रहेगा आपका विज्ञापन और चौथा रहेगा संदेश लेखन, और कुल 20 + 20 यानी कि हो गया हमारा 40 मार्क्स। क्लियर। अब बात करते हैं कि सेकेंड टर्म में कौन से चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर रहे हैं? 2 गद्य करेंगे और 2 पद्य करेंगे, बस इतना ही रहेगा। लेकिन सेकेंड टर्म में हमारे पास चैप्टर थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, पाठ जो रहेंगे। क्षितिज की बात की जाए तो क्षितिज भाग 2 में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यखंड है, उसमें से उत्साह अट नहीं रही ये कविताएं रहेगी, और ऋतु राज द्वारा रचित कन्यादान बेहद आसान सी और भाव कविता ये रहेगी, यानी कि तीनों कविताएं आपकी आसान रहेगी। तो काव्यखंड में हमें 3 कविताएं करनी है। गद्यखंड की बात की जाए तो गद्यखंड में क्षितिज भाग 2 से यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज पाठ रहेगा, बेहद आसान है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये पाठ रहेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर 3 कविताएं और 2 आपके पाठ रहेंगे क्षितिज भाग 2 से। अब बात की जाए कृतिका की। कृतिका पुस्तक है आपकी पाठ्य पुस्तक है, वहाँ से हमारे पास 3 चैप्टर रहेंगे। ओके, 3 पाठ रहेंगे, शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता कांचल, कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक, और मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथा जोड़ी। ओके, साना साना हाथ जोड़ी। तो हमारे पास 2 गद्य के, ओके, 2 पद्य और 3 हमारे गद्य क्षितिज भाग 2 में से, और 3 यहाँ से हमारे रहेंगे किसमें से? कृतिका में से। तो ये हमारा रहेगा गद्य खंड, और हमने फर्स्ट टर्म का भी डिस्कस कर लिया और सेकंड टर्म का भी डिस्कस कर लिया। ये जो सिलेबस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो, आपको लग रहा हो कि ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हो,
आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।